एक रूम मैं अभी रिसेंटली वो वीडियो साथ अगर मैं रिक्वेस्ट करूंगा पैनल से भी अगर चला सकें, कुछ वीडियोस आपकी इस तरह की हैं मुझे हैव अ डाउट ओवर देयर कि वो पर्ल कॉन्टिनेंटल का रूम है या मैरियट का रूम है। मैरियट का रूम 28-30-35 हज़ार रुपये पे जो कमरा एक दिन का जिसका किराया है वो पॉकेट मनी से तो कोई बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता था। तो मतलब आप क्या कहना चाहते हैं, क्या डाउट है? आपको क्या लगता है आपकी इनकम कहाँ से है? मैं ये सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि आपका रोजगार है क्या, क्योंकि आपने तो बताया आप स्टूडेंट हैं, अभी आपने सेमेस्टर फीस कराया हुआ है, एक इंतहाई लेविश लाइफस्टाइल। आप कैसे आपने खुद वो तो मैंने अपनी एजुकेशन के बारे में आपको बताया ना, आपने खुद मुझे बोला कि जी कभी मैं कराची में हूँ, कभी मैं लाहौर में हूँ, कभी मैं इस्लामाबाद में हूँ। हाँ, मेरे शूट्स होते हैं, मुझे डिफरेंट प्लेस पे जाना पड़ते हैं। आप कैसे कर लेती हैं शूट के? आपको मैं आपको उसकी डिटेल्स भी देता हूँ कि आप कोई बहुत अच्छे ब्रांड का शूट भी करती हैं तो पर ड्रेस आपको 2.5 से 3 हज़ार मिलता है। और मैं टॉप क्लास शूट की बात कर रहा हूँ जो पाकिस्तान के A1 ब्रांड्स हैं, आप वहाँ पे भी मॉडलिंग करें, मुझे आप किसी भी अच्छे या टॉप के ब्रांड में मुझे आप मॉडल नजर नहीं आएंगे। तो वो आपको 2.5 से 3 हज़ार एक जोड़े का पे कर रहे हैं, 10 जोड़े भी करें तो 30 हज़ार एक शूट का बनता है। इनकम क्या है? हमारी फैमिली हमें पे करती है, सपोर्ट करती है, इसीलिए तो मैंने फैमिली का बैकग्राउंड पहले पूछा कि फादर क्या करते हैं ताकि मुझे ये डॉट कनेक्ट करना था। तो अब हम अपनी पूरा वो तो नहीं बता सकते ना कि लोग आपको जानना चाहते हैं। जब आप स्टार होते हैं तो आप सोचते हैं आप लोगों की प्रॉपर्टी होते हैं, लोग आपसे पूछ सकते हैं सवाल। अब सबकी इनकम नहीं करना चाहेंगे आप? जाहिर सी बात है सबकी इनकम या सबका तो वो नहीं बता सकते, लेकिन ये है कि हमें हमारे घर वाले भी सपोर्ट करते हैं पैसों के मामले में, पैसों के मामले में हमारी एजुकेशन, हमारे मतलब। अच्छा, आपकी परमानेंट रिहाइश कहाँ पे? इस्लामाबाद में है, लाहौर में भी है। लाहौर में किस एरिया में? लाहौर में मैं रह रही हूँ, पंजाब सोसाइटी। पंजाब सोसाइटी घर है पहले मैं कैंट जी कैंट में मेरा घर है। घर का मेरा अपना घर है। अपना घर है जी, बिल्कुल। कब लिया आपने? कब लिया आपने? कब से है मेरे पास लाहौर में घर? कब से मेरे पास लाहौर में? 1 साल तो होने वाले मेरा अपना घर। फैमिली ने लेके दिया जी? बिल्कुल। क्या क्या वर्थ होगी? 2 करोड़ 3 करोड़ का है ये वर्थ? तो मैं आपको नहीं बता सकती, लेकिन मेरा अपना अल्हम्दुलिल्लाह। इस्लामाबाद में क्या रहती हूँ? इस्लामाबाद में मैं F11 में रह रही हूँ, वो भी मेरा अपना घर है। बड़ा खौफ जरा नहीं, नहीं आप खातिन से ना डरिए, आजकल मर्दों से डरना चाहिए जो उठ के कुछ भी उसके ऊपर पूरा सेगमेंट करेंगे। लेकिन मैं सिर्फ पहले एस्टैब्लिश करना चाहता हूँ कि जो आपके व्यूअर्स हैं, जो आपके फैंस हैं, उनको आपके बारे में सारी डिटेल्स बताओ। मेरे जो फैमिली मेम्बर्स हैं, मैंने आपको बताया कि मेरे मामा बाबा दोनों मतलब गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, उसके अलावा मेरी बड़ी सिस्टर हो गई या मुझसे जो सब माशाल्लाह सेटल्ड हैं और सब कोई ना कोई जॉब कर रहे हैं लाइक किसी न किसी पोस्ट। हरीम, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि चीफ सेक्रेटरी पंजाब KP के भी जो है ना, उनकी तनख्वाह भी 1.5-2 लाख रुपये होती है। अगर वो सारी जिंदगी नौकरी करें और एक पैनी खर्च ना करें तो फिर भी वो घर लाहौर में अफोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन हमने कोई करप्शन तो नहीं की हुई ना, कोई मुल्क का पैसा तो नहीं लूटा हुआ, किसी का पैसा तो नहीं लूटा हुआ। आपने कहा कि वो सरकारी मुलाजिम है आपके दोनों पेरेंट्स, मैं कहता हूँ जी चीफ सेक्रेटरी 22वें 21वें 22वें ग्रेड के ऑफिसर्स भी है ना, तो उनकी इनकम या उनकी सेविंग इस काबिल नहीं होती कि अपने बच्चों को घर इस्लामाबाद में एक लाहौर में लेके दे सके। हाँ, अनलेस अंटिल के आप मुझे बताएं कि आपके वालिद की माइंस का कोई बिजनेस है वहाँ पे, कोई बहुत बड़ी लेविश कंस्ट्रक्शन कंपनी है वहाँ पे, कोई होटलिंग का बिजनेस है, कोई बहुत लेविश किस्म का बिजनेस है, तो फिर मुझे समझ आया कि जी वाकई में दे कैन अफोर्ड टू बाय योर हाउस इन इस्लामाबाद एंड लाहौर। और मुझे उम्मीद है कि अगर मैं पूछूँ कराची में कहाँ रहती हैं तो आपने ये भी कहना है कि कराची में मेरा अपना घर है, वहाँ भी अपना घर है। बिल्कुल है। मुबशर लुकमान साहब के एक तैयारे के ऊपर आप इतने सवाल उठा दिए। एनीवेज वापस आते हैं, नहीं मुबशर लुकमान से कोई वो नहीं था, लेकिन मुबशर लुकमान ने खुद आपने आप स्टूडेंट हैं दो और मिनिस्टर्स के साथ आपके पर्सनल लेन-देन है, मतलब आपके अपना मैटर्स ऊपर हमारे बहन भाई हैं, हमारे और भी कोई काम हो सकता है पर्सनल, कोई भी क्यों हम कुछ आसम ने काम कर दिया। अगर मेरी बात सुने, हमें प्राइम मिनिस्टर से काम होगा तो हम वहां भी जाएंगे, क्योंकि वो आवाम के लिए है। प्राइम मिनिस्टर हाउस वो आवाम के लिए बने जी, बिल्कुल आप जा सकते हैं जी, आप जा सकते हैं। ये तहरीक इंसाफ की हुकूमत है और तहरीक इंसाफ के दरवाजे हर एक इंसान के लिए आपने नाम बताना चाहती प्लेन किसका था? उन्होंने कहा एक साहब आपको दे दिए कि आप इन बंदे से कांटेक्ट कर लें, वो आपको प्लेन तक ले गए? नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं कहा। ऐसे नहीं कहा? फिर क्या? वो बैठे हुए थे, हमने खुद उनसे बोला कि वो आपस में किसी से फोन में बात करते, तो हमने उनको बोला कि हमें भी साथ ले जाए, तो वो हमें साथ लेके चले गए। फैजल हसन चौहान को हमने बीच में डिस्कस, उनसे कोई बात ही नहीं हमने शेयर की ना,
हम बस चौहान साहब कुछ नहीं कहते आपको, डोंट वरी, खुल के बात करें। चौहान साहब कुछ नहीं, चौहान साहब की गलती हो तो हम बताएं ना, चौहान साहब की बात ही नहीं है, चौहान के बीच में बात ही नहीं है, चौहान साहब ने कुछ किया ही नहीं है बीच में। अच्छा चौहान साहब आपके वीडियो में आपसे शर्मा क्यों रहे हैं, आपने यू वीडियो बनाई चौहान साहब यूं से कभी यूं जा रहे हैं कभी यूं, वो क्या हुआ था, व्हाट हैपेंड था? वीडियो हमने उनकी मर्जी से बनाई थी, और मर्जी मतलब उनसे परमिशन दी थी कि सर हम आपके साथ वीडियो बनाना चाहते हैं, आप माइंड ना करें, आप हमें इजाजत दिया करते हैं। चौहान को इतना, चौहान ने कोई डिनाई किया? अल्लाह की कसम डिनाई किया, कसम खुदा की डिनाई किया, डिनाई आप कसम देखें। वो कहते हैं मुझे तो उन्होंने कहा जी कि वो कोई सोशल मीडिया की एक्टिविस्ट हैं और वो मैं तो जानता भी नहीं हूँ उनको, और आप लोग कह रही हैं कि जी मैं जानती भी हूँ। चौहान साहब को हम जो बोल रहे हैं वो सच, मैं तो वही कहूंगा ना जो आप बोल रही हैं, मेरे पास तो आप स्टूडियो में आप बैठी हुई हैं, तो मैं तो ऑब्वियसली इसी में बिलीव करूंगा जो आप कहेंगे। चौहान साहब ने इंसल्ट किया, मतलब हमारी इंसल्ट डिनाई किया, उन्होंने डिनाई किया, तो उन्होंने 3-4 वीडियोस हमारे साथ और भी बनाई हुई है, एक वीडियो में दिखाया रसीना ने भी दिखाया था, बिल्कुल वो सोशल मीडिया पे चली है वीडियो सारी चली है जी। अच्छा और भी कोई है तो मैंने कहा हमारे साथ बकायदा उन्होंने पिक्स लिए हैं, हमारे साथ उन्होंने वीडियोस बनाई है। लास्ट वीडियो में ये हुआ था कि वो संजीदा नहीं थी, वो संजीदा नहीं थे, मैं संजीदा नहीं थी, वीडियो संजीदा नहीं थी। वो ये हुआ कि ये दोनों आपस में क्वेश्चन आंसर कर रहे थे, ये उनसे पूछ रही थी, अचानक से पीछे बैक से मैं आई, जब मैं आई मेरी हंसी निकली, तो जाहिर है कैम में उनको ये जुहान साहब तो मुझे वो ना लग रहे जिस तरह आप हैरेस कर रही हैं जुहान साहब को, हमने किसी को हैरेस नहीं किया, हमें हैरेस किया जा रहा है, मतलब मुझे हमने किसी को हैरेस नहीं किया, हम एक लड़कियों के हमने किसी को हैरेस नहीं किया, आजकल मर्द दूसरों लड़कियों को हैरेस करते हैं। जुहान साहब ने आपको हैरेस किया? बिल्कुल नहीं किया, चौहान साहब ने नहीं किया, चौहान ने नहीं किया, मुबशर लुकमान ने तो किया। चले अब आते हैं मुबशर लुकमान पे, आप प्लेन तक पहुँच गई, आप प्लेन तक पहुंच गए, आपको किसने बताया कि मुबशर लुकमान का प्लेन खड़ा होगा? आप एक सहाफी हैं, आप मुबशर लुकमान की साइड ना लें, बिल्कुल ही लूंगा, अरे मेरा आपका वादा रहा, मेरा आपका वादा रहा, बिल्कुल आप देखें हर बात बंदा कर रहे हैं, अगर वो आपके लिए एज एंकर हैं तो हम भी आपके लिए कोई कोई मानी रखते हैं, हम भी इसी वतन में रहते हैं, इसी मुल्क में रहते हैं, हम भी वो, मेरा आपका वादा रहा, ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, मेरा आपका वादा रहा, मैं किसी बंदे की कोई साइड नहीं लूं, किसी बंदे की कोई साइड नहीं लूं, लेकिन मुझे एस्टैब्लिश तो करने देना। आप लोगों ने अपनी वीडियो में एक में फरमाया हुआ है कि भाई मुबशर लुकमान ने हमें खुद का जी हमें खुद का हम बोल रहे हैं, हाँ हम बोल रहे हैं, मुबशर लुकमान का हमारे साथ फोन कांटेक्ट है, हमारे मुझे आप वो वीडियो लॉग दीजिए, मुझे वीडियो वो लॉग दीजिए, अपनी कॉल लॉग दीजिए, स्क्रीनशॉट भेजिए मुझे, जो आप कह रही हैं कि आप मुबशर साहब से इन कांटेक्ट थी जी। अच्छा मुबशर लुकमान से उधर बाहर एक पब्लिक प्लेस में, कहां पे? लाहौर में। नंबर कैसे मिला मुबशर साहब का? खुद दिया, हमें उन्होंने खुद दिया, हमारे पास कहाँ से आ गया? खुद दिया, पब्लिक प्लेस में खड़े-खड़े मुलाकात हुई, आपको नंबर, मुलाकात ही तो मुबशर साहब तो किसी को भी नंबर देते हैं, वो आप मैसेज करो लड़की बन के आपको भी रिप्लाई देंगे, अल्लाह ना करे मैं कुड़ी बनना पड़े। राणा साहब सुन रहे हैं आप सर, सब वो कह रही है हमारे पास रिकॉर्ड हमारे पास है, मेरे पास रिकॉर्ड है, नहीं ऐसे नहीं होता, अरे ऐसे नहीं होता, नहीं नहीं आपको सारा रिकॉर्ड ऐसे नहीं होता, अरे ऐसे नहीं होता, अगर आपके पास रिकॉर्ड है, ऑन पब्लिक कहती हूं मैं, ऑन पब्लिक कहती हूं कि मैं मुबशर साहब की कॉल मैसेज हर चीज का आपको रिकॉर्ड दूंगी, वक्त आने पे इंशाल्लाह मैं खुद, नहीं वक्त तो आन साहब, आपने इतने बड़े बंदे के ऊपर इतना बड़ा एलिगेशन लगा दिया, अभी भी आप कह रही हैं नहीं 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 हरी मैसेज ऐसे, जी राणा साहब प्लीज कंटिन्यू, उस बंदे ने जो आप, अच्छा राणा साहब की राणा साहब बहुत सीरियस, राणा साहब इल्जाम लगाए तो वो ठीक है जी, आपको हर काम जायज और कानूनी तरीके से करना चाहिए था हरी जी, बिल्कुल जायज और कानूनी, कैसे आप एंटर हुई, कैसे आप प्लेन तक गई, कैसे एक्सेस ली, और वो जो बंदा आपके साथ बैठा हुआ है, मेरा भी दावा है कि वो पायलट नहीं है जो आपके साथ प्लेन में बैठा हुआ है जो अनाउंस कर रहा है, तो वो कौन है ये मैं बताऊंगा आपको, लेकिन पहले आपका वो आप बताएं ना वो कौन मैं बताऊंगा आपको, मैं बिल्कुल बताऊंगा आपको, अगर एक बंदा पायलट नहीं है तो जहां एयरपोर्ट आज मैंने कांटेक्ट किया है, मैंने कहा जी ये वीडियो आपको व्हाट्सएप कर रहा हूँ, आपकी मैनेजमेंट को मुझे बताइए उस पायलट का नाम दीजिए, वॉल्टन ने टोटली डिनाई किया, उन्होंने कहा वो पायलट है ही नहीं हमारा, तो पायलट नहीं है तो उसके पास इतनी अथॉरिटी कैसे हुई कि वो एक जहाज, अथॉरिटी तो आपके पास भी आ गया, अभी जहाज के अंदर बैठी, हम तो लीगल तरीके से जहाज के अंदर, तो आप भी बैठी, हम तो लीगल तरीके से गए, लीगल तरीके ही तो बताइए, वो तो पूछ रहा हूं लीगल तरीके, तो किसी चोर दरवाजे से नहीं एंटर हुए, वो लीगल तरीके ही तो पूछ रहा हूं कैसे एंटर हुई, वहां पे जाए सीसीटीवी फुटेज मतलब सीसीटीवी कैमरों का रिकॉर्ड, मुझे आप बंदा बताइए बंदे किसके साथ एंटर हुई वहां पे, हम स्क्रीन पे नाम नहीं बता सकते कि हम किसके साथ इंटर हुए, तो फिर वो लीगल नहीं है, अगर आप नाम नहीं ले सकते वो लीगल नहीं है, क्यों हम किसी का भी आके यहाँ पे नाम ले लें, आपने आपने पाकिस्तान के एक टॉप 5 एंकर्स में से एक एंकर जो है जो एक ब्रांड बन चुका हुआ है, जो पिछले 30 साल से जर्नलिज्म कर रहा है, जो हर नेशनल इशू को
उठा के आगे चलता है, आपने उस बंदे के ऊपर वो इल्जाम लगा दिए। बिल्कुल सच्चा इल्जाम लगाया कि एक बंदा वो कोई खुदा है या फरिश्ता है कोई, कि वो गलती नहीं कर सकता, वो गलती नहीं कर सकता, उससे गलती नहीं हो सकती। या मुबशर लुकमान एक फ्रेंड बन गए, मेरी बात सुने, मुबशर लुकमान एक फ्रेंड बन गए तो उससे क्या वो झूठ नहीं कर सकती? यही सवाल कि आप लोगों से गलती नहीं हो सकती, हमसे भी हो सकती है, जहाँ गलती हम इकरार करेंगे हाथ के सामने वीडियो बना बिल्कुल ऐसी है। राणा साहब मेरे साथ रहिएगा, एक छोटा सा ब्रेक मुझे लेना है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो इसी टॉपिक को लेकर आगे चलेंगे। नाज़रीन छोटा सा ब्रेक मेरे साथ रहिएगा।